सत्य अहिंसा के रखवाले देश प्रेम की आंधी थे, तन लंगोट और हाथ मिलाठी संत महान वो गांधी थे। साथियों, इस नश्वर संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु शाश्वत सत्य है। कोई इंसान कब जन्मा और कब पैदा हुआ ये महत्व नहीं रखता, महत्वपूर्ण ये है कि वो कैसे जिया, उसने अपने जीवन से औरों को क्या दिया, और यही सब बातें उसे अजर और अमर बनाती है। 2 अक्टूबर को देश में 2 नन्हे फूल खिले थे जिनकी खुशबू से सारा हिंदुस्तान आज भी महकता है। अहिंसा पर वो धर्म, सच की राह पर चलना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इन सभी सिद्धांतों ने उन्हें राष्ट्रपिता बनाया और सबके चहेते बापू की सीखों पर चलने की प्रेरणा दी। राम राज, ग्राम स्वराज, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, जरा सोचिए, इन सभी मुद्दों की नींव बापू ने ही रखी थी, और ये सारी बातें आज भी उतनी ही सटीक और प्रासंगिक हैं। चरखे और खादी के बल पर कभी नमक बनाया या हमेशा स्वदेशी की हिमायत करके जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना उन्होंने देखा, वे आज कितना अनिवार्य बन चुका है। जय जवान जय किसान का नारा कितना प्यारा था, वो लाल बहादुर शास्त्री भारत का राज तुलारा था। गांधी जी के विचारों के कट्टर समर्थक शास्त्री जी ने सादा जीवन उच्च विचार का संदेश देते हुए भारत के उत्थान में अविस्मरणीय योगदान दिया था। इन दोनों महान विभूतियों को शत शत नमन करते हुए आइए हम शपथ लें कि इनके अधूरे सपने को साकार करने का यथासंभव प्रयास करेंगे और इनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ब्लूम कैप की टीम को इस सार्थक प्रयास के लिए कोटिशः धन्यवाद।